आंखों में अपनापन, जिसकी बातों में जादू। फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू। छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू। अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे। आगे बढ़कर पहुंचे जिसने सबकी आंखों के आंसू। छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू। मेरा तुम रेडी हो ना? देखो पर्दा खुलने का समय हो गया। विलास से कह दो एक बार शुरू की कमेंट्री फिर से कह दे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जब जब इस धरती पर, यानी हमारे भारत की धरती पर किसी भी दुश्मन ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की है, तब तब हमारे भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसकी रक्षा की है। ऐसे ही एक जंग में जरूर होगा और मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत कामयाब रहेगा। कांग्रेचुलेशंस राजेश, आपके आशीर्वाद से बड़ा और इनाम क्या हो सकता है। अरे शंकर, सुना है क्या राजेश कॉलेज आया हुआ? कहाँ है? टेरेस पे। अकेला? नहीं, मीरा के साथ। मीरा के साथ? अरे आजकल बेचारा अपसेट है यार। क्यों, क्या हुआ? तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। कितनी मेहनत की थी उसने अपने ड्रामे के लिए, ऐन वक्त में बीमार पड़ गया बेचारा। पागल है यार। क्यों? लॉस में तो हम लोग है, उसको तो अपनी मेहनत का फल मिल गया। मतलब? मतलब ये कि प्रिंसिपल का वो दामाद बनने वाला है। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे आइए आइए। नमस्ते। देखो बहन जी, हमारा स्वागत करने के पहले आप ठीक तरह से सोचिए, क्योंकि हम झगड़ा करने आए। जैसी आपकी मर्जी, पहले बैठिए तो सही। हाँ बैठो बैठो। बैठो, तुम खड़ी रहो। पानी तो लेंगे? पानी कैसे पियेंगे, गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा? हाँ आपसे कहा तो सही कि हम आपसे झगड़ा करने आए हैं। जैसी आपकी मर्जी। बहन जी, आपके बेटे राजेश से मुझे ये उम्मीद न थी। क्यों जी? बिल्कुल सही कहा आपने, हमने उसे क्या समझा था और वो क्या निकला। मुझे भी आपकी बेटी मीरा से ये आशा नहीं थी, मैं तो उसकी भोली भाली सूरत देखकर धोखा खा गई। राजेश को हमारी और आपकी इज्जत का कुछ तो ख्याल करना था। यही शिकायत मुझे भी मीरा से है। अरे बहन जी, हमारा तो सुख चैन हराम हो गया है। दाल जल जाती है, चावल अटपके रह जाते हैं, चाय में नमक और सब्जी में शक्कर खानी पड़ती है इन दिनों। फिर भी ये सब सहने के लिए आप लोग दो तो हैं, मुझ बिचारी को तो अकेले ही सहना पड़ रहा है ये सब। सुबह से ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं शेविंग क्रीम से टूथब्रश और टूथपेस्ट से दाढ़ी तो नहीं बन रही है। मैले कपड़े पहने जाते हैं और धुले हुए कपड़े धोने दिए जाते हैं। थाली का खाना आधा पड़ा रहता है। इस बार टेलीफोन और बिजली का बिल दुगना आया है। अगर आप लोग अभी यहाँ ना आए होते तो शाम को ये सारी शिकायतें लेके मैं ही आने वाली थी आपके पास।
मीरा की माँ, मामला काफी सीरियस है, हमें तुरंत कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। बहन जी, आप राजेश की शादी करवा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है, तो हम भी मीरा की शादी करा देते हैं। लेकिन डैडी, तुम चुप रहो। सर, मगर सर, हम तुम दोनों से कुछ नहीं सुनना चाहते। हम लोग फैसला कर चुके हैं, इस साल परीक्षा खत्म होते ही तुम दोनों को विवाह बंधन में बांध दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, परीक्षा होने तक अगर तुम दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरों से बातें करना कम नहीं की, तो फिर जिंदगी भर उन तस्वीरों से बातें करते रहना पड़ेगा। ये क्या बचपन है, क्या दुल्हन की नाजो अदा का दिवाला निकल चुका है? अरे और कुछ नहीं हो सकता था, तो आम दुल्हन की तरह डेढ़ फुट का घूंघट निकाल कर तो बैठना था। आय हाय, चलो चलो उठो, देखो फिर नहीं कहना शरारत करते हो। चलो उठो, नहीं तो पानी डालूंगा। बैठी रहूंगी यार, एक दूल्हे का एक्सपेक्टेशन तो यही होता है। दूल्हे महाराज, दुल्हन क्षमा प्रार्थी है, फिर आज ही पतिदेव। मेरा सारा प्लान चौपट है। कैसे? प्रेम के आरंभ में विवाह के बंधन में मेरे सारे सुपरहिट विरह गीतों का बनता था। अच्छा, क्लाइमेक्स तो परफेक्ट है, लेकिन कहानी जरा तो अच्छा है। मैंने पहले ही सोच रखा था तुम्हारे पिताजी ना करें, इसलिए मैंने न केवल सैड सॉन्ग्स के मुखरे बल्कि लोकेशंस को फाइनल कर दिया। पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं, इस बीच तुम अपने दिल के अरमान निकाल लो, लेकिन तब तक मुझे एक रिहर्सल तो दिखाओ। यहाँ नहीं, स्पॉट पे ले जाके दिखाऊंगा, वहां मैं डायरेक्टर की हैसियत से डायलॉग से ज्यादा ट्रीटमेंट पे जोर दूंगा। विलन जैसे एक्टिंग क्या शुरू कर दी? एक सपना जो हकीकत बनकर आई मेरी जिंदगी में, उसे इस मन में समा जाने दो। आज रात इस दिले बेताब को न रोको, आज रात वो हंसी को ना हो जाए। जगह तो बड़ी खूबसूरत है। हाँ, मेरी चुनी हुई अर्जी खूबसूरत ही होती। सलाम साहब। तुझे तो एक पैसा नहीं दूंगा, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। साहब मैंने क्या किया साहब? राजेश सही तो कह रहा है, इसने आपका रोल बराबर अदा किया, इसे जरूर पैसे मिलने चाहिए। मिले चाहिए। अच्छा चल यार, तुझे क्या याद रखा।
ये क्या इशारेबाजी चल रही है? वो कुछ नहीं मैम, वो ऑर्फन। ऑर्फन? हाँ माँ जी, वो ऑर्फन बच्चों के लिए एक शो करना चाहता है और तुम उसमें हिस्सा लेना चाहती हो। फैंटास्टिक माँ, तुम कितनी जल्दी बात समझ जाती हो। बात ये माँ कि मैं लंगड़ों के ऊपर डांस कंपोज कर। लंगड़ों का डांस? अरे क्या हुआ? राजेश जरा डॉक्टर को फोन करके बुला। जी जी। मुबारक हो मान जी, आप दादी माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, देख बेटी, अब बचपना छोड़कर औरत की जिम्मेदारी समझने की कोशिश कर। हाँ? अब तू सिर्फ पत्नी ही नहीं। क्यों? तुम्हारी बहू कहीं की महारानी बनने वाली है क्या? हाँ, मेरी बहू कोई महारानी से कम है क्या? और तू भी कान खोल कर सुन ले, अब मीरा से शरारत बिल्कुल नहीं करना। मगर क्यों 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 क्यों? मीरा माँ बनने वाली है। माँ? कैसी माँ? तेरे बच्चे की माँ। ओ क्या माँ? बदमाश, खुदगर्ज, आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह से खबर लूंगा। ओ मीरा, ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी? कमाल है, ये गड़बड़ तो तुम्हारे पार्टनरशिप में हुई है। मीरा, क्या तुम सचमुच माँ बनने वाली हो? अरे वाह, तुम भी तो बाप बनोगे। लेकिन वो बदमाश पैदा होकर तुम्हारे प्यार में हिस्सेदार बन जाएगा। अभी से जलन हो रही है। मैं इसे माँ को सौंप कर सिर्फ तुम्हारे बाहों में रहूं। ओके। आज ऐसे लग रहा है राजेश, ये सारी धरती, अंबर, वादियां हमारे साथ साथ खुशी में झूम उठी है। तुम ठीक कहते हो मीरा, जहाँ भी मन से मन का मिलन होता है वहाँ खुशी ही खुशी होती है। अब बोलो किस तरफ जाना है? बस अब कर चलो। अरे बस मीरा को लेकर यूं जरा घूमने निकला था। अरे हाँ सुन, बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है। क्या? शादी के बाद आदमी कंडम हो जाता है। क्या मतलब? हाँ, कल तक राजेश जो हर सफर में सबसे आगे रहता था वो आज पीछे रह रहा है और हम आगे जा रहे हैं। अरे बोल ले बेटा, बोल ले, इसी बात को दोहराना, जब मीरा साथ में नहीं रहेगी तब देखेंगे। अरे कल की बात तो कल देखी जाएगी, अभी हम आगे जा रहे हैं। राजेश कभी किसी से हार नहीं मानेगा, हर दौड़ में सबसे आगे रहेगा। कम ऑन राजेश, कम ऑन, कम ऑन, कैच हिम, कम ऑन, हियर वी गो। राजेश, मुझे इसी वक्त ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, उस कागज पर साइन कर दो। सोचो मत राजेश, जल्दी करो। हरिया जल्दी आइए।
नहीं मीरा, मीरा मुझे छोड़ के मत जा, मीरा मुझे छोड़ के मत जा, मीरा मीरा मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा मीरा, मत जा मुझे। राजेश बाबू, राजेश बाबू, राजेश बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके जख्मों को छेड़ा है। नहीं, तुम्हारे लिए सब जानना भी तो जरूरी था। मैं तो सिर्फ इतना ही जान पाई कि आपने जिसे खोया है उसे और किसी में पाया नहीं जा सकता।